अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर मैं आपके सामने पेश करूंगा, ये सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्लास टेन की, उनका इंग्लिश का जो एग्ज़ाम मंडे को होने जा रहा है, उसके लिए मैंने कुछ गेस्ट पेपर्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और इसके बाद मैं कुछ और चीज़ें जो हैं वो अपलोड करूँगा। तो लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, इस तरह से कोई तीन से चार पार्ट्स इस लेक्चर के बनेंगे। तो इंशाल्लाह ये एक दिन में प्रिपरेशन का बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके पास, कि अगर आपने इंग्लिश के एग्ज़ाम की अभी तक प्रिपरेशन नहीं की, तो आप जस्ट वन डे में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और पास होना चाहते हैं, तो इसको जो मैं आपको चीज़ें बताऊँगा इसको फॉलो करते हुए इनकी तैयारी कर लें, इंशाल्लाह 40+ मार्क्स ईजीली ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। जो आपके पास इंग्लिश के लिए जो आपने क्वेश्चंस तैयार करने हैं, जो कि 10 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, वो आपने ये क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ये क्या हैं, मैं इसको पढ़ता हूँ एक दफ़ा। देखें जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड कुरैश थिंक दैट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड फेवर देम। क्रैश ये क्यों सोचते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लम उनकी हमायत करेंगे। इनके जवाब आपको आपके खलासों से, की बुक से या अप टू डेट से भी मिल जाएंगे। तो आप क्वेश्चन सिर्फ ये कर लें अपनी की बुक से, तो आप इंशाल्लाह इनके अलावा क्वेश्चन कोई नहीं, 5 सवाल आपने करने होते हैं 8 में से, तो 5 सवाल इनके अंदर से आ जाएंगे। अभी मज़ीद इसमें कुछ 5 से 7 सवाल हैं, वो मैं इसको बताने के बाद फिर रिमूव करके वो भी आपको बता दूंगा कौन से हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन मॉरल स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज़ ऑफ लाइफ, के लोग जो हैं परफेक्शन कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं अपनी मॉरल स्पिरिचुअल यानी कि अपनी इखलाकी स्पिरिचुअल और सोशल एरियाज़ में, यानी कि अखलाक कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी रूहानियत और अपनी समाजी ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तीसरा सवाल है, वट कैन वी लर्न फ्राम फेलियर, कि हम फेलियर से क्या सीख सकते हैं। तो फेलियर एक बहुत बेहतरीन किस्म का एक टीचर है, तो उसके बारे में आपने लिखना है। फोर्थ, वट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस एज हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर। सिक्स क्वेश्चन, वट इज़ ट्राइंग अगेन इम्पोर्टेंट इन लाइफ, वाई इज़ ट्राइंग अगेन इम्पोर्टेंट इन लाइफ। सेवन्थ क्वेश्चन, वट डू डेकोरेशन ऑन डोर्स एंड विंडोज सिम्बलाइज। एट क्वेश्चन, वट डज चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट। नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ इज़ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड फॉर हीलिंग द वाउंड। टेंथ क्वेश्चन, वट इज़ इट नेसेसरी टू कीप द सोप अवे सोप फ्रॉम वाउंड। 11th question, how does the light fills the drops? 12th question, what should your first aid kit consist? 13, do you think that sun coming out after the rain, why? 14, which book has impressed you more and why? तो ये कुछ questions हैं, इसके बाद मज़ीद question भी अभी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इसमें ये कुछ मज़ीद questions भी add कर लें। फर्स्ट 15 क्वेश्चन, हाउ वाई डू बिज़ी पीपल प्रेफर टू रीड न्यूज़पेपर, कि जो बिज़ी पीपल होते हैं ये न्यूज़पेपर को पढ़ना क्यों प्रेफर करते हैं या क्यों अहम समझते हैं, अहमियत देते हैं। 16 क्वेश्चन है, हाउ डज़ टेलीविजन मेक्स अस लेज़ी, कि टेलीविजन हमें कैसे लेज़ी बना देता है, सुस्त बना देता है। 17th क्वेश्चन, वट डज़ द ऑथर वॉन्ट टू अप्लाई बाई मैंशनिंग हिज को कैरिकुलम एक्टिविटीज़, के ऑथर जो है वो अपनी को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ को बता के क्या जो है वो मेंशन करके क्या साबित करना चाहता है, वांट टू अप्लाई। 18 क्वेश्चन, हाउ हैज़ द राइटर स्पेंड हिज समर वेकेशन, के राइटर ने अपनी समर वेकेशन कैसे गुजारी। 19 क्वेश्चन, व्हाट इज़ विंड ड्यूरिंग ऑल मैंस वर्क, के विंड का क्या तसव्वुर है ऑल मैन वर्क में। उसके बाद को करिकुलम एक्टिविटीज़ प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर, हाउ को करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हैं ये फ्यूचर के लिए स्टूडेंट्स को कैसे तैयार करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स,
अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मज़ीद जो चीज़ें आपने करनी हैं इन क्वेश्चंस के अलावा, इन क्वेश्चंस में से इंशाल्लाह 4 से 5 सवाल आपको आ जाएंगे, और वही 4 से 5 सवाल अगर आप अटैम्प्ट कर देंगे तो आप क्वेश्चंस का पोर्शन हो जाएगा। मज़ीद मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपने मज़ीद क्या क्या चीज़ें तैयार करनी हैं अपनी पूरी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच।